Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Pakistan. कैसे हैं सब लोग? मुझे आज आप लोगों से बहुत ही जरूरी टॉपिक्स पे बात करनी है, तो मैं चाह रही थी कि आप सब लोग आ जाएं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे अली रजा। और अली रजा, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। आज आपकी बर्थडे, तो वो मैंने होल्ड किया था और मुझे था कि जब मैं नेक्स्ट आऊंगी लाइव तो जो भी मैंने सोचा आपके लिए उस वक्त जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने का और ही मज़ा आएगा। तो आज आपकी बर्थडे, तो आई होप आज आप बहुत खुश होंगे, अच्छे से मना रहे होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे और आपको वो सरप्राइज देख के भी अच्छा लगेगा। ओके, नसर हयात, जहीर, नदीम शेख, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू खलीफा खादम, साहिल खान, थैंक यू सदाम मुजम्मिल। ओ, टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आकिब, मैं ट्यूटर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। और वैसे भी इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये काफ़ी है ना। जी नहीं, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं दुबई जा रही हूँ न्यू ईयर पर। थैंक यू नदीम शेख। एम हमजा मुगल, ले जी आपका नाम ले दिया। थैंक यू इरफान बंगेश। हाशिम घुमन, थैंक यू सो मच, जल्दी आ रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, वेरी सून,
सुफियान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जैर। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे आप लोगों से जो बात डिस्कस करनी थी और जिस वजह से मैं लाइव आई हूँ, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि हम लोग ठीक है गॉसिप्स करते हैं, लोगों के लिए बुरा भला भी कह देते हैं, लेकिन हम इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो बगैर ये सोचे कि किसी दूसरे इंसान को तकलीफ होगी, आप किसी के बारे में क्या कह जाते हैं या किसी के बारे में क्या लिख जाते हैं, दूसरों का एहसास भी करना चाहिए। मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी वॉल पे एक पोस्ट दी थी कि अगर आजकल किसी चीज़ की कमी है तो वो है एहसास। तो लोगों को जो है वो एहसास नहीं रहा, बहुत कम है। किसी का दिल दुखे या उसको उसको तकलीफ़ पहुंचे, आजकल लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। बस सब लोग अपनी मार्केट जो है सजाए बैठे हैं, जैसे जिसका काम चलता है वो चलाता है। मैं बात करना चाह रही थी कि एक न्यूज़ पर जो कि पता नहीं किन साहब ने लगाई कि मैंने माँ की कसम खा कर थिएटर छोड़ दिया, और मैंने माँ की कसम खाई है कि मैं थिएटर नहीं करूँगी। और ये बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है जो जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहा है वो सब अपनी अपनी वॉल पर शेयर करते जाएं, ताकि मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो जितने लोगों तक जाएगी तो उन्हें पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उसमें किसी ने न्यूज़ लगाई थी कि मैंने माँ की कसम खा के थिएटर छोड़ा है, तो मैंने कहीं पर भी माँ की कसम नहीं खाई। मैंने सिर्फ लिखा था, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी किस्मत, और अगर मैं ये कहूँ सबके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, जैसे अगर मेरे खुशबू जी हैं तो उनके साथ मेरा एक और बहनों वाला रिलेशन है, अगर नरगिस हैं, नरगिस मैडम हैं, उनके साथ मेरा और बहनों वाला रिलेशन है। लेकिन जो किस्मत थी वो बहुत ही क्लोज थी मेरे, हमने 2 साल इकट्ठे काम किया है और हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई जब ये सारी चीज़ें हुई, ये वाकया पेश आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब लाइक थिएटर नहीं करना। उसकी बहुत सारी रीजंस थी कि मैंने लोगों के बिहेवियर देखे उस वक्त, तो खैर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मुझे बहुत ही मैं दिल बर्दाश्ता हो गई कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एहसास नहीं है, हर हर किसी ने मरना है। उसके बाद जो है मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थिएटर नहीं करूँगी। मैंने अपनी वॉल पर दिया जस्ट कि मैं थिएटर क्विट कर रही हूँ, कोई माँ की कसम नहीं। और मुझे लोग कह रहे हैं जी आप माँ की कसम खाकर वापस आ गई हैं और आप थिएटर कर रही हैं और ये कर रही हैं, तो बिल्कुल मैंने थिएटर छोड़ दिया था। लेकिन आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपके कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाते हैं या आपकी कुछ ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं जिनको आपको पूरा करना ही होता है। मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी। उसके बाद जो है हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो हमारी एक टीम है जो हमारे बैक पर होती है, इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैडम नरगिस का, नसीम विक्की साहब का, जिन्होंने मुझे समझाया और जिन्होंने एक मान से मुझे कहा कि आपको दोबारा आना है, आप अपना मतलब काम अपनी जगह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, तो आपको जो है वो थिएटर नहीं, मतलब इस सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद मैं डर गई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डर गई थी तो मैंने इस वजह से किया, उसकी रीज़न कुछ और थी। और मैंने माँ की कसम बिल्कुल नहीं खाई, और जिसने भी ये झूठी न्यूज़ लगाई है अल्लाह ही उसका भला करे, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो एक तो मुझे ये क्लियर करना था, और सेकेंडली मैं पंजाब पुलिस जो है मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो हमसे वादा किया उन्होंने वो उस वादे पर पूरा उतरे, उन्होंने किस्मत बेग के जो केस है उसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया। तो थैंक यू पंजाब पुलिस, और आपने हमें जो है वो एहसास तहफ़ दिलाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी
आप जो है इसी तरह से इस चीज़ का खात्मा करते रहेंगे ताकि हम लोग जो है अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। जी गाइस, तो ये तो वो चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। अब आते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। कुछ नहीं भूल रही मैं अली रज़ा, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अभी आपको जो है वो कमेंट में आपने मुझसे कहा था कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, आप वो एक पेपर पे लिखकर वो मैं आपको जो है वो सेंड करूँ, तो बिल्कुल मैंने वो कर लिया और अभी थोड़ी देर में आपको सेंड हो जाएगा। तेरी याद में आमीन सुम आमीन। जी अमानुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान की जो मर्जी होती है उसे वही करना चाहिए। दुबई का भी कोई प्लान नहीं है। थैंक यू उजैर हुसैन, थैंक यू समद अली, मलिक यावर। मैं अपनी बात बता रही थी जो मैं करना चाहती थी आप लोगों से, मैं वो बात कर रही थी, मैंने आपका मैसेज रीड नहीं किया। थैंक यू अजीज़ खान, थैंक यू फैसल इकबाल। और हाँ, मैं जो हमारे मीडिया के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव किरदार जो है निभाया है इस सारे मामले में, और हमारे साथ साथ वो रहे, और नो डाउट हमारा मीडिया बहुत आगे जा चुका है और हम आज अपने मीडिया के थ्रू अपनी बात जो है वो आसानी से गवर्नमेंट तक जा, या अपने और भी जो इश्यूज़ हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वकास खान। मेहर शहजाद, अपनी अम्मी को, वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान को, और उन्हें कहें कि मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। थैंक यू अली जैद भट्टी। मलिका यास, थैंक यू वेरी मच। अच्छा गाइस, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छा से रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे पता था मुझे लाइव आना है, मेरे फैंस ने मुझे देखना है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गुड, और मैं बहुत अच्छे मूड में भी हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछें। लाइक योर आइज, ओह थैंक यू। शहबाज तरार, थैंक यू, थैंक यू हाशिम घुमन, इनशाला आई विल। वकार मिनास, थैंक यू सो मच। स्नैपचैट जो है, स्नैपचैट की आईडी जो है मेरी है सोब्रीद, SOBREED, सोब्रीद। थैंक यू साफी जी। थैंक यू शेख अवैस। हाँ, हमेशा क्यूट क्यूट लगती हूँ, बहुत शुक्रिया। हांगकांग, बस मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि नया साल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जो मज़ा है नए साल का, नए साल का जो पहला दिन होता है वो गुजारने का, वो कहीं भी और नहीं है, वो हांगकांग में भी नहीं है, वो दुबई में भी नहीं है। हाँ, जहाँ मेरी फैमिली होगी, मेरे फ्रेंड्स होंगे, वहाँ ज़रूर होगा, वो चाहे दुबई हो,
चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो या हांगकांग हो। साकिब बशीर। हेलो साकिब बशीर। असगर खान। आई एम गुड। थैंक यू अदनान हैदर। थैंक यू कादिर मुगल। ओके गाइस आई एम हियर। कुछ इंटरेस्टिंग पूछ लें। थैंक यू मियाँ मोहम्मद अफजल। ओके सबको थैंक यू, बहुत सारे थैंक यू। बिग आइज, यस अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गुड। थैंक यू शाहिद इकबाल। मेरी एज क्या लगती है? वैसे मेरी एज कोई छुपाने वाली है नहीं, लेकिन गेस क्या हो सकती है। रहमान आपको तो यकीन आ जाना चाहिए। यस आई एम हियर, आई एम हियर फॉर यू गाइस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 27, 26, नो ओ माय गॉड, इसका मतलब मुझे और वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। नो थोड़ा सा कम। यस मोहसिन सतार, आपने तो वाकई गेस कर लिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। खैर उम्र छुपानी नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि आप जितना भी दिखते हैं, लाइक आप वो 30 के दिख रहे हैं या आप 22 के दिख रहे हैं या आप 25 के दिख रहे हैं, तो आपको जो है वैसी फील करना चाहिए। अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा जनाब, ये आपका हिंदी में नाम है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं है। निसार अहमद, लगता है आप जो है वो लड़कियों की एज गेस करने में बहुत माहिर हैं। अच्छा तो मुझे भी तो पता चले वहां कैसा होता है साफी और यहां पर कैसा है। ओके सबको हाय, जितने लोग देख रहे हैं सबको हाय। एवरीवन टेक वन वन हाय। कितने लोग देख रहे हैं? ओह माय गॉड सो मेनी हाइज। ओके गाइस सबको हाइज। हेलो थैंक यू सिदीक शाह। मोहसिन लियाकत,
ओके आई लव यू टू गाइस, मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मेहर शहजाद, कटिंग क्यों करवाई है? अब स्टाइल भी तो चेंज करना है ना, हेयर स्टाइल. माँ जी, हेयर स्टाइल चेंज करते रहना है. तो मुझे था कि चलो ज़रा जीन शर्ट का मौसम है तो ज़रा शॉर्ट हेयर्स अच्छे लगेंगे. तनवीर बट यस, यू आर द विनर, यू आर राइट, 100% राइट, लव यू. अच्छा गाइस, कोई गेम करते हैं इससे पहले कि मैं आप लोगों को बाय बाय कह दूं, एक छोटी सी गेम करते हैं. चले मुझे जल्दी से आप लोग ही बताएं, सजेस्ट करें कि आप लोगों के साथ क्या गेम होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों से अलविदा जो है वो कह दूंगी. ओके इतने सारे लोग देख रहे हैं, भाई कुछ तो सजेशन दें क्या गेम होनी चाहिए जो सोबिया खान और सोबिया खान के फैंस के बीच में हो. लव गेम, लव गेम्स. आजकल प्यार सिर्फ कहने ही आसान है, प्यार करना बहुत मुश्किल है. करना भी मुश्किल है और निभाना तो बस आप छोड़ ही दें, आजकल निभाना तो किसी के बस की बात नहीं है. मेरी फेवरेट एक्टर पश्तो में सिद्रा नूर, शी इज गुड. अच्छा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल किया है. हाथी स्विमिंग पूल में गिर गया, वो बाहर कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल, शादी करनी चाहिए, शादी के बाद प्यार करना चाहिए, शादी के बाद जो प्यार होता है वो सच्चा प्यार होता है. प्लीज इतनी जल्दी बाय बाय मत करूं, मुझे तो पता भी नहीं है, काफी टाइम हो गया, आई थिंक आधा घंटा होने वाला है. जी आशिकी फिल्म मेरी है. हु इज बेटर, जफरी साजन अब्बास? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना. आई थिंक इफ्तिखार ठाकुर, देर इज सो मैनी. नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, अमानत चंद. जहांगीर साहब एंड अरबाज साहब, बोथ आर माई फेवरेट्स. थैंक यू जाहिद अली. थ्री ट्वेंटी पीपल वॉचिंग मी नाउ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. जी हाँ, कॉमेंट्स आप पढ़ नहीं रही, मैं बिल्कुल कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ.
साकिब बशीर, बिल्कुल जफरी खान से जो है वो मैं आपका मैसेज दे देती हूँ कि जफरी साहब आपके लिए फरमाइश आई है कि आप टीवी पर भी आएं। लेकिन उन्होंने किया है मेरे साथ ही, उन्होंने एक्सप्रेस पर सियासी थिएटर किया था। हाँ जी बिल्कुल आमीन। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 2016 के मुताबिक हम जब भी बात करते हैं तो सब लोगों का यही कहना है कि 2016 किसी के लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। और बल्कि मैं खुद कहूँगी कि अगर मेरी लाइफ का कोई मुश्किल तरीन साल था तो वो ये था। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए जो भी करते हैं उसके बाद जो है वो अगर आपको लगता है कि कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो अल्लाह ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा होता है। अगर आपको कोई भी वो तकलीफ़ में डालता है तो उसका जो है वो बहुत ही बेहतरीन हल वो आपके लिए पहले से निकाल के रखता है। लेकिन हाँ, 2016 मेरे लिए भी, बाकी सबकी तरह मेरे लिए भी कोई अच्छा नहीं साबित हुआ और बहुत ही टफ था, बहुत हार्ड था। और लेकिन जहाँ पर आप सब ये कहते हैं कि अमजद साबरी साहब जो हैं वो चले गए, जुनेद जमशेद चले गए, ईदी साहब चले गए, तो इसके साथ साथ आप लोग किस्मत बेग को भी याद रखें। किस्मत बेग जो है हमारे जो जो भी है फिल्म टीवी थिएटर है, तो हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थिएटर का मीडियम ज़रा हो जाता है, मतलब हम उस लेवल पर आ जाते हैं, फिल्म का कुछ और है, टेलीविज़न का कुछ और है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी 12-12 साल की खिदमात पेश की होती हैं, आप लोगों के लिए मेहनत की होती है, तो हमें उन सबको याद रखना चाहिए। और किस्मत जो है वो हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, परफॉर्मर भी बहुत अच्छी थी, इसके साथ साथ वो सबसे बड़ी बात कि वो दिल की बहुत अच्छी इंसान थी। मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी उसके बारे में कि कुछ लोग होते हैं कि जो बाय फेस अच्छे होते हैं और उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन वो ऐसी लड़की थी उससे हर कोई प्यार करता था। तो इसलिए हम जब अमजद साबरी को या हम जुनेद जमशेद को या हम ईदी साहब को याद रखें तो हमें किस्मत के लिए भी जो है वो अगर हम एक लाइन जो है दुआ की हम कर देंगे तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। उमर मंजूर, मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि मैंने माँ की कसम कब खाई थी, कब खाई थी, किसके सामने खाई थी। वो साहब आ जाए, मैं लाइव इसीलिए आई हूँ कि, और अच्छा वो आपने ये कर लिया, मैंने कहाँ पर मतलब किस जगह मैंने किसके सामने माँ की कसम खाई थी। अगर आप लोग जो हैं वो एड हैं, मेरे पास एड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईडी पे लिखा था आई क्विट थिएटर। मैंने और कुछ भी नहीं लिखा कि जी मैं, मुझे मेरी माँ की कसम है। मतलब ये क्या बकवास सी बात है कि आप कोई भी माँ की कसम क्यों खाएगा। आप लोग जो हर चीज़ में फैमिली को और आप किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों चले जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। अली रज़ा कंदील बलोच की भी जो डेथ का बहुत अफसोस है, जो भी हुआ जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हर इंसान को अपने तरीके से लाइफ गुजारने का हक है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरों की ज़िंदगियों का फैसला करें, हमें सिर्फ ये हक है कि हम अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। तो आप किसी पे मुसल्लत हो जाएं या आप किसी को आप खुदा समझ के किसी की ज़िंदगी का फैसला करें, ये तो चाहे कंदील हो, किस्मत हो या और लोग भी हों, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी क्योंकि मैंने उनका कोई इतना काम नहीं देखा या वो अभी आई ही थी, तो मैं उनके बारे में खैर कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अफसोस तो जाहिर है इस बात का है कि जिस तरह से उसे भी कत्ल किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रंजूर मुखल, मामा खेल, जफरी खान साहब के साथ जो है वो मैं
मतलब उनके साथ मेरा कम ही जो है वो, जब भी मैंने उनके साथ काम किया, बहुत कम किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको कन्वे करना था कि, बल्कि मुझे ये बात ही आप लोगों तक पहुँचानी थी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और प्लीज़ आप लोग जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी फैंस हैं, आप लोग सब आईडी, मेरा पेज है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, या इसके अलावा मेरी आईडी है, वो सब लोग जानते हैं। और मैं एक दो दिन में ही बाकी जो मेरी फेक आईडीज़ हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट जो है मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, ताकि वो बंद हों और आप लोगों को पता चले। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग, जो भी चीज़ होती है, मेरी कोई स्टेटमेंट होती है या मेरा कोई वर्क होता है, तो वो मेरे पेज पर या वो मेरी आईडी पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो न्यूज़ होती हैं वो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, 20-30% ऐसा होता है कि ठीक भी हों, लेकिन लोग अपनी तरफ से लगा देते हैं, इसका, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ लगती है या जिसमें हकीकत होती है, तो मैं ज़रूर अपनी वॉल पे जो है उसको शेयर करती हूँ। सोचना पड़ता है, कोई मेरे मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। थैंक यू रणदीप। आई एम सिंगल, 100% सिंगल। थैंक यू सीमी मकबूल, थैंक यू जुहेब नवाज। जल्दी जल्दी से, अब आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी जल्दी से जो भी पूछना है, जो भी कहना है कह दें, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत मांगूंगी। सनी, सनी सावल, आप लोग कैसे सवाल करते हैं? मुझे तो समटाइम ये होता है कि क्या सोच के, मतलब आप लोग जो है वो लाइक, अल्लाह ही हाफिज है हमारे पाकिस्तान का। इरफानुल्ला, आप कुछ पश्तो में लिख दें, मैं वो बोल देती हूँ। लव यू टू गाइस, हुसैन बादशाह, उमर भट्टी, हाय, लुकमान खान, आई एम गुड, हाउ आर यू, काजी इमरान, ओके ओके, हाय थैंक यू चौधरी दानिश, ओ अली आ गए, मिस यू टू। यूके आने का अभी ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इस साल मेरे 2 चक्कर हो गए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नाच सुना दूं? ओके, 12 रबीउल का महीना है, और इतना अच्छा महीना है, इतना बाबरकत महीना है, और आपने ये फरमाइश कर दी है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अगर मुझे 4 से 5 और नाच सुनाने की की रिक्वेस्ट आई, तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी, प्रॉमिस। स्विट्जरलैंड, जल्दी होगा। हेलो असद मरकरी साहब, क्या हाल चाल है? ओ मुख्तियार अली, सो स्वीट ऑफ यू।
I'm single, guys. ओके, एक और जो है वो फरमाइश आ गई है नाच सुनाने की. दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई. ओके, अब तो सुनाना ही पड़ेगी. स्कार्फ दो मेरा. चंदा को बुलाओ. अच्छा काम है, लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं. नात मैं सुना सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद बचपन से ही नात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और मैं जितनी बेसुरी हूँ, मैं हमेशा से ही ये करती थी कि मैं नाते ज़रूर पढ़ती थी, नाते पढ़ लेती थी. और मतलब जो हम्द है, मुझे बहुत, मतलब मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था. तो गाइस, आप लोगों के सामने जो है वो मैं अपनी फेवरेट नात सुनाऊंगी, जो मेरी फेवरेट थी बचपन से. और आप लोग हैरान होंगे कि जब मैं कराची में थी तब तो पंजाबी का दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन ये नात मुझे इतनी पसंद है जो कि पंजाबी में. कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा. किवें दसदा मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, किवें दसदा मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है. आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है. पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी से पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा. लव यू ऑल. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है बहुत अच्छी लगी होगी ये नात. और मैं बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि मेरे घर में जो है वो एक, बल्कि मैं आजकल जो है इसकी तैयारियों में हूँ कि मेरे घर पे एक बहुत ही अच्छा सा मिलाद हो. तो जब भी वो होता है और जिस डेट पे होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो आप लोगों को जो है लाइव दिखा सकूँ. अभी मैंने नात सुनाई, मैं सॉन्ग कैसे सुना सकती हूँ? नो सॉरी, आई कांट. एक सॉन्ग गाइस, कम ऑन. फिर आप लोग ही हैं जो मतलब इस तरह के जो है वो कमेंट्स दे रहे होते हैं कि ठीक है एक ही वीडियो में जो है. अब जो है हम एक चीज करते हैं, अपने अपने जो सॉन्ग्स, वैसे मेरी इतनी आवाज जो है वो अच्छी नहीं है कि जो आप लोग जो है सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं. वैसे मुझे कभी भी कोई सॉन्ग के लिए कहता है तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाती. हाँ, मुझे जब कोई नात के लिए कुछ इस तरह कहता है तो मैं फौरन ही जो है उसके लिए रेडी हो जाती हूँ. तो प्लीज, मैं बहुत बेसुरी सिंगर हूँ. असलम सादत, आप कहीं गलत जगह मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये मैसेजेस मत करें. सुकुंता मलिक, हाय हाय सुकुंता, हाय. सेठ
पश्तू? ओके, ता संगा है, ता संगा है, ता सो डुडाए खुड़े। लुकमान खान पिशावर कब आना है? कब आना है? लेट्स सी के कब आना है। एजाज अहमद थैंक यू। अली भट्ट, मुझे बॉलीवुड में काम करने का सीरियसली कोई शौक नहीं है, मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मुझे कोई ऑफर आई भी तो मैं नहीं करूँगी। सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, लोगों को करना चाहिए, मैं उनको बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा ओपिनियन पूछा तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं अपने मुल्क में रहकर यहाँ पर ही काम कर लूँ तो यही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे कोई शौक नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट मैं नहीं करना चाहती। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सब आए और हमने इतनी अच्छी जो है वो चिट चैट की, और अगर मेरी किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और नया साल आने वाला है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव जो इंसान होता है उसके चेहरे पर भी वो चीज़ नज़र आती है। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि अगर नया साल आने वाला है, स्पेशली जो लोग आपसे नाराज़ हैं उन्हें बिल्कुल मना लें, और कोशिश करें कि नए साल के लिए जब मतलब 31st को आप कुछ कार्ड्स बनाएं, कार्ड्स पे आप जो है वो कोई एक ऐसा मैसेज लिखें, और मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर माफ़ी मांग ले तो वो, ये तो बात भी सच है कि उससे कोई छोटा नहीं होता, माफ़ कर देने वाला ज़ाहिर है वो, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो रूठे हुए लोगों को मना लेना चाहिए, स्पेशली अगर किसी के पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है, तो सबसे पहले वो हक़ रखते हैं कि माँ बाप एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि जिसके रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो आप अपने, जिन लोगों ने अगर अपने पेरेंट्स से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो उनसे सॉरी कर लें और उनके लिए गिफ्ट्स खरीदें, ताकि आपका जो नया साल है वो अच्छे से स्टार्ट हो। और वैसे जिसके अगर कोई किसी का अगर कोई दोस्त है, कोई फुप्पी है, चची है, वो जो है अगर आप लोगों ने, आपसे नाराज़ हैं तो उनको भी मना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और मेरा इतना साथ दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों से बात करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, अगेन एंड अगेन, लव यू ऑल, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।